पहले पकड़ के ना फरहान अख्तर से पूछो कि मूवी क्यों प्रोड्यूस किया। युद्रा नहीं, ये कचरा थी कचरा। युद्रा वन टाइम वॉच मूवी है। एक्शन काफ़ी अच्छा है, लाइक एनिमल में जैसा एक्शन था ना, सेम वैसा ही एक्शन बताया गया। इतना वायलेंस है कि घर पे जाके शायद अपनी औरत को मारने लगो, इतना वायलेंस है मूवी में। तो अदरवाइज मूवी का एक्शन काफ़ी अच्छा है, इम्पैक्टफुल है। डायरेक्शन भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था, बट कहीं ना थोड़ा स्टोरी वाइज मूवी थोड़ी वीक है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने गली बॉय से आई थिंक अपना डेब्यू किया था बड़ी स्क्रीन पर, तो वो बेचारा लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। वो जब जब आता है ना स्क्रीन पर, ऐसा लगता है कि को रियल का घोड़ा है, घोड़ा जो रहता है ना वो, ऐसा लगता है। तो उसका हीरो वाला फेस नहीं है अभी। करण जौहर की मिठाई ले ले के वो मतलब हीरो बन गया है, लेकिन ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा बिल्कुल नहीं है। एक्शन का अच्छा है यार, एक्शन में देखोगे ना स्टार्ट टू एंड पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो आदमी परेशान है मुंबई की ट्रैफिक से, जो परेशान है अपने घर वालों से, जो परेशान है लोकल ट्रेन से, वो घर पे जाके ज़रूर झगड़े करेगा, थिएटर के बाहर आके अपने बाल ज़रूर नोचेगा। एक्शन काफ़ी अच्छा है मूवी का, पर अदरवाइज मूवी में स्टोरी नहीं है। और जो हीरो ने क्या नाम है उसका, मालविया, वो तो भाई जब जब स्क्रीन पर आई है ना पैसा वसूल हो गया। 5 में से मूवी को कोई स्टार मत दो। सबसे पहले पकड़ के ना फरहान अख्तर से पूछो कि मूवी क्यों प्रोड्यूस किया। आई थिंक फरहान अख्तर ने मूवी प्रोड्यूस की है ना, तो उनसे पहले पूछो कि भाई ऐसी मूवी आप प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो, जिसका ना हाथ है ना सर है ना पैर है। इस कुछ अपने बाप से ही सीख लो यार, जावेद अख्तर साहब से ही सीख लो, किस तरह सलीम जावेद सर के साथ शोले पिक्चर बनाई है उन्होंने, कालिया बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई है, उनसे कुछ सीख लो, थोड़ी तो शर्म करो। बट अदरवाइज मूवी के लिए 2 स्टार, बाकी जो परेशान है वो आओ मूवी देखने और परेशान हो जाओ। युद्रा नहीं, ये कचरा थी कचरा, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा डे 99 रुपीज़ में एक्शन पिक्चर है, सिद्धांत चतुर्वेदी फर्स्ट टाइम एक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, लेकिन मैं तो राघव के लिए आया था। हाँ, वहाँ मेरा पैसा वसूल हुआ, क्योंकि राघव की किल मूवी में जहाँ पे एक विलन का काम था, उसके बाद 11 वेब सीरीज़ में पुलिस वाले बने थे, यहाँ पे फिर अगेन वो विलन का काम किया, तो राघव के लिए तो भाई बनता है, क्योंकि कॉकरोच मेंढक हो गया भाई, कि जहाँ स्लो मोशन था वहाँ पे इतना फास्ट हो गया वो, कि भाई कहाँ से कहाँ आ गया वो। और रही बात, तो इसके अंदर एक हीरोइन भी है मालविका मोहन, जो साउथ की एक्ट्रेस है और यहाँ पहली बार काम किया। चलो ठीक है, अभी तो पहली पिक्चर है यहाँ बॉलीवुड में, तो ठीक ठाक था, लेकिन मैडम बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी, ये बॉलीवुड है। और रही बात, और भी इसके अंदर 2 सीनियर एक्ट्रेस है, गजराज राव और राम कपूर, तो यार बड़े अच्छे लगते हैं। राम कपूर तो मतलब यार एकदम फाड़ू एक्टर है वो तो। और स्टोरी में तो कुछ समझ भी नहीं आया मेरे को, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था स्टोरी की कहीं तो भी मिल जाए, ताकि मैं बाहर आके लोगों को बताऊँ कि बहुत अच्छी पिक्चर है। मतलब गली बॉय में जैसा वो कर रहे थे ना एमसी, जो वहाँ पे एमसी शेर बने थे जहाँ पे, वो यहाँ इधर बागड़ बिल्ला हो गए वो। अरे मतलब हर कोई टाइगर श्रॉफ बनने जाएगा, उछाल कूदी करने जाएगा, तो यार करियर तो ऐसी टाइगर श्रॉफ का उछला हुआ है। मतलब कुछ फिल्में चल रही नहीं है आफ्टर बागी 3, तो हर खाली सिर्फ उछाल कूद में नहीं होता, एक्सप्रेशन और एक्टिंग भी होनी चाहिए ना। तो एकदम समझ भी नहीं आया मुझे कि क्या बना दिया एक्सेल वालों ने, फरहान साहब क्या बना रहे हो। मतलब डॉन 3 का सदमा इतना हो गया कि कुछ भी बना लेके आ जा रहे हो। रेटिंग क्या देना चाहूँगा सर मैं, नेशनल सिनेमा डे के ऊपर पिक्चर ऐसी आएगी तो उसमें रेटिंग क्या निकलेगी, मतलब लोगों की चीखें और लोगों का गुस्सा निकलेगा। फिर भी 1 स्टार तो बनता है, अब उतने में खुश हो जाओ एक्सेल वालों, सर्फ एक्सेल में नहा लो। थैंक यू।